हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ राजमा मसाला की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये राजमा मसाला। तो यहाँ मैंने लिए हैं टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन, हरा धनिया और हरी मिर्च। तो प्याज को तो मैंने यहाँ पर फाइन चॉप कर दिया है, बाकी टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का जो है मैंने प्योरी बना लिया था इस तरह से। तो यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम राजमा यानी कि एक कप। इन्हें मैंने 6 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। यहाँ लिया है मैंने खड़े मसाले, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, लौंग और दालचीनी। तो यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जो है मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने लिया यहाँ पर जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है आमचूर पाउडर और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे लिया नमक। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रेशर कुकर चाहिए, उसमें सारे डाल दिए आप राजमा। राजमा डालने के बाद इसमें आप डालें 700 से 750 ml तक पानी। उसके साथ ही में यहाँ पर डालें आप तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और लौंग। साथ ही में इसमें डालें आप आधा चम्मच नमक। बस इसको यहाँ पर आप 6 सीटी लगा दीजिए। अगर आपने राजमा भिगोए नहीं हैं तो पॉसिबल है आपको ज़्यादा सीटी यहाँ पर लगानी पड़ेगी, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए जैसा आपके पास प्रेशर कुकर उस हिसाब से। तो यहाँ मैंने लिया है पैन, 3 से 4 चम्मच डाला है देसी घी। अच्छे से देसी घी को गर्म कर लीजिए। देसी घी जब आपका गर्म हो जाए तो इसमें आप ऐड करें जीरा, छोटी इलायची, साथ में दालचीनी। बस इनको 10-20 सेकंड तक भून लीजिए लो फ्लेम पर। अच्छे से जब क्रैकल हो जाए तो इसमें साथ में डालें प्याज, और प्याज को हमें यहाँ पर गोल्डन लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। तो फ्लेम को रखें मीडियम पर और इसको अच्छे से भून लीजिए। ज़्यादा ब्राउन ना करिए प्याज को, लाइट गोल्डन ब्राउन तक, इस तरह से। जब आपके प्याज इस तरह से भून जाए तो इसमें ऐड करें टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी का भी हमें यहाँ पर अच्छे से मॉइस्चर पूरा सुखाना है, जब तक इसका पानी जो है टमाटर का अच्छे से सूख ना जाए तब तक आप इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते रहें। एक बार जब आपका ऐसा हो जाए, टमाटर का सारा जो मॉइस्चर सूख जाए, तो उसमें ऐड करें सारे ड्राई स्पाइसेस पाउडर यानी कि जो हमने मसाले लिए थे वो इसमें ऐड करें। साथ में थोड़ा सा इसमें डालें पानी ताकि मसाला जो है हमारा जले ना। बस अच्छे सब कुछ मिक्स कर लीजिए और इसको लो फ्लेम पर पकने दीजिए। लो फ्लेम पर अच्छे से पकते पकते जब इसका मॉइस्चर भी सूख जाए इस तरह से हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आप अपना प्रेशर कुकर खोल के देखिए, राजमा जो है हमारे एकदम 6 सीटी में तैयार हैं। अगर आपके राजमा नहीं पकते तो आप 1-2 सीटी अपने हिसाब से और लगा लीजिए। तो बस यहाँ पर आप इसमें ऐड करें सारा मसाला। अच्छे से मसाला डालने के बाद इसको एक बार मिक्स कर लीजिए और लो फ्लेम पर इसको बॉईल होने तक पकने दीजिए। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो इसमें आप ऐड करें 1/2 चम्मच गरम मसाला यानी कि 1/2 टीस्पून घर वाले स्पून के हिसाब से 1/4, और 25 ग्राम बटर। बस इनको मिक्स करके अच्छे से 1 सीटी लगा दीजिए। यहाँ पर आप दीजिए इसको 1 सीटी। जब 1 सीटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसको खोल के देखिए, आपका जो है राजमा मसाला एकदम तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप इसमें ऐड करें हरा धनिया। तो हरा धनिया यहाँ पर मिक्स कर लीजिए और इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। आप जिसके साथ इसे खाना पसंद करें, मुझे तो राजमा राइस के साथ पसंद है। आप चाहो तो इसको रोटी के साथ खाइए, नान, पराठा, जो आपका मन करे। और गाइस, आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताया करें, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। We'll be right back.
fire. Fire.